أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير <تصفح> اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهزن اذا شئت سهلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني आज हम इनशा अल्लाह के खास फजल करम से सूरत की आयत नंबर बीस से अनबोर्ड देखेंगे हम अल्लाह के शिक्र और उसकी हम के साथ शुरू करते हैं जिसने हमें हिम्मत और तोफ़ी दी जिसने हमारे दिलों में ये बात डाली कि हम अपने दिन का आगाज़ उसके बाबरकत कलाम से करें अल्लाह ताला से दुआ है कि इसकी सही समझ बूझ हमें अता फरमाए हमारे कहने सुनने में अगर कोई भूल चूक या कमी पेशी हो गई तो अल्लाह ताला उसे कबूल मंजूर फरमाए माफ़ फरमाए और उसका फ़ायदा हमें इस दुनिया में भी और खासकर आखिरत में कामयाब लोगों में शुमार करके हमें अता फरमाए आमीन जारबल आलमीन तो इससे पहले हमने कल जो सबक या कल कुछ आयात देखी थी एक रुकू उनमें हमने देखा कि अल्लाह ने जो इनामत की है या जिस तरह से मदद की मुसलमानों की या मोमिनों के लश्कर की जंगे बदर के दौरान उसका तस्करा किया अल्लाह ताला ने उसमें एक अमन वाली रात एक पहले से खुशखबरी दे दी अल्लाह ताला ने कि वो मदद करेगा जंग बदर में फिर कल हमने जो आयत पढ़ी थी उसमें एक अमन वाली नींद अल्लाह ताला ने अता की और उसके अलावा आसमान से पानी या बारिश जो है वो बरसा कर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की जिससे उन्होंने अपने आप को पाक किया और उनकी नकल और हर, हरकत जो है वो भी आ, 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 आसान हो गई और उसके लिए वज़ू करना और पीने के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए इनके पानी मुयसर आ गया ये बहुत बड़ी उनके लिए एक मदद थी अल्लाह ताला की तरफ से और फिर अल्लाह ताला, ताला ने जो फरिश्ते भेजे हज़ार जोंक दर जोक उन फरिश्तों से कहा कि तुम अपने मुसल मोमनू के दिलों को मजबूत रखो और उसके दूसरी तरफ मैं काफरों के दिलों में रोब डाल दूंगा और इन दोनों तरह की दो तरफ़ा स्ट्रेटजी के तहत ऐसी दहशत हुई काफरों की काफरों पर कि वो जम का मुकाबला ही ना कर सके अल्लाह ताला ने कहा कि मतलब उनके गर्दनों और उनके हर पोर पोर पर जब लगाओ ताकि तुम बहुत ही अच्छी तरह से कामयाब हो जाओ इस, इस मार्के में और फिर अल्लाह ताला ने यह कहा कि ये जो सारा कुछ हो रहा ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के अल्लाह की मदद और उसी की उसी की रहमत किसे है ये जो मुसलम ये जो काफरों के साथ हुआ ये इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा उसको तो शदीद अजाब आकर रहेगा और ये अजाब जो है आयत नंबर चौदह में हमने देखा कि ये अदाब जो है ये सजा जो है ये तो दुनिया की सजा तुम्हारे सामने है ये नाकामी और ये मुस, ये काफरों के लश्कर का उस वक्त ढेर हो जाना और उसके सरदारों का मारे जाना ये सजा तो दुनियावी सजा है अभी आखरत का अजाब जो है वो काफरों के, जो कि के अब काफरों के लिए मुकर है वो तो आगे आएगा एक वक्त में और फिर अः ईमान वालों से कहा गया कि जब तुम अः लश्कर से मशरिकिन मक्का मशरिकिन के लश्कर से या दुश्मन फौज से आमने सामने हो तो वहाँ से पीठ मत फेरकर भागो जो पीठ कर फेरकर भागेगा उसका जहाना तो उसका ठिकाना तो जहन्नम होगा जो बहुत ही बुरा ठिकाना है हाँ उसमें दो अस्थशना मिले हमें एक तो जंगी चाल के तौर पर पैंतरा बदल कर अगर कोई वापस हमला करे या दूसरा अपने बाप को महफूज करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पीछे हट जाए और और महफूज जगह पर या अपने ग्रो के साथ मिलकर दोबारा से हमला हो, तो दो, ये दो स्टेस्ट, स्टेस्ट है। उसके जंग के मैदान से भागना एक मोमिन के लिए किसी सूरत भी इजाजत नहीं अलाउड नहीं है इस सूरत में उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा और फिर अल्लाह ने कहा कि ये सारे माजरा जो है उसके उसका उसकी वजह जो है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला की ही रहमत और उसी की मदद थी तो ये जो तुमने काफरों को कतल किया है ये तुमने नहीं दर हकीकत अल्लाह ताला ने ही कतल किया और ये जो आपने जो मट्टी की मट्टी भर मट्टी कर फेंकी थी नबी के सल्लम ने जिसका कल तस्करा हुआ जिन्होंने मुशर्क के आंखों को चिंता दिया और वो मतलब एक दफा अपने पाँव से उखड़ गए जैसे ही मारका शुरू हुआ उसी वक्त तो ये मिट्टी जो आपने फेंकी थी ये तो आपने नहीं दर हकीकत अल्लाह ने ही फेंकी थी यानी इस, इसमें जो असर हुआ और इसका जो इफेक्ट हुआ काफरों पर वो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक एक मदद थी जो आपको मिली और ये सारी तदबीरों का मकसद एक तरफ तो ये था कि मुसलमानों को या मोमनों को अच्छा अंजाम दे और उसके उसकी क़ुवत को मजबूत करे और दूसरी तरफ ये काफरों की तदबीरों को कमज़ोर करने के लिए भी था और फिर आखिरी आयत में कल हमने देखा आयत नंबर उन्नीस में कि काफरों ने जो दुआ की थी कि जिसने क़त राहमी की या जिसने मतलब ये फसाद डाला उसको उसका उसका फैसला कर दे तो अल्लाह ताला ने कहा कि फैसला तो अब आ चुका है अगर तुम फैसला समय चाहते थे तो ये फैसला तो आ चुका कि हक कौन है और बातल पर कौन है ये दोनों वाजह हो चुके अब भी तुम अगर बाज आ जाओ तो, तो तुम्हारे लिए बेहतर है लेकिन अगर तुम बाज नहीं आओगे और दोबारा ऐसी हरकतें करोगे तो फिर यकीन तुम्हारे पास दोबारा ऐसा करेंगे हम और तुम्हारी फौज और तुम्हारी जमात चाहे वो कितनी ही ताकतवर हो और तादाद में ज्यादा हो वो किसी भी काम नहीं आएगी और यकीन अल्लाह ताला तो उन लोगों के साथ है जो ईमान लाने वाले हैं जो मोमिन हैं सही मानूम है अब हम बढ़ते हैं इनशा अगली आयत की तरफ आयत नंबर बीस से या वो लोगो जो ईमान लाए हो ए मोमनो ए ईमान वालो अति तुम सब इतात करो अल्लाह की व रसूल और उसके रसूल की वला और ना तुम सब मुंह मोड़ो अन हो उससे वो अन तुम तस्मा इस हाल में कि तुम सब सुन रहे हो अच्छा ये आए तो और इससे आगे एक दो आयात जो आ रही हैं इसके इसके दोनों तरफ इसको लिया जा सकता है या दोनों नुकतः नजरों से इसको दे सकता है एक तो नुकता नजर है जंगे बदर का जो पीछे हालात तो वाकयात चलते आ रहे हैं और जिस तरह से ममनों के साथ अल्लाह तामला किया मदद की और जिस तरह से काफरों को शिकस्त हुई ये सारा पस मंज़र जो है उसको सामने रख कर भी ए, हम इन आयात को समझ सकते हैं और दूसरा ये ओपन आयात या खुले आम खिताब जो है वो उसके तौर पर भी हम इसको समझ सकते हैं तो दोनों तरह से हम इसको समझें तो हमें इसकी इसके वसत का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ए ईमान वालों जो ऐ जो लोगों जो ईमान लाए तुम अल्लाह और उसके रसूल की इतात करो और उसके हुक्म से उसके हुक्मों से उसके इतवा से उसकी पैरवी से अल्लाह और उसके रसूल के हुकम, उसके उसकी पैरवी से मुंह मत फोड़ो यहाँ तक कि तुम सब सुन रहे हो यह तुम्हारे सामने सब कुछ वाजे आ रहा है तुम सुन रहे हो तुम तुम बहुत सारी चीजें जानते भी हो सुनते भी हो समझते भी हो जानते भी हो तो इस हालत में तुम अल्लाह और उसके रसूल की एहतियात करो और उनकी बातों से उनके अहकाम से मुंह मत मोड़ो ये चाहे जंग बदर का आप जिक्र कर लें ले, क्योंकि ये जंग बदर के बाद की आयात हैं तो उसमें पहले जो हो चुका उसका जिक्र है और उसमें ख़ासकर का माल जो है जो इजाफी माल अल्लाह ताला ने जिसको अनफ़ाल के नाम से जिक्र किया आयत की पहल इस सूरह की पहली आयत में उसी कंटेक्स में भी देखें कि आप जो भी हालात तुम्हारे सामने हैं तुम्हारे पास अल्लाह तला ने किस तरह मदद की वो तुम्हारे सामने है और उसके अलावा काफ़रों को किस तरह से जेर किया वो भी तुम्हारे सामने है तो ये सब कुछ हमारे सामने है तो तुम अब अल्लाह और उसके रसूल की इताद करो और उससे मुंह मत फेड़ो जैसा कि उन्होंने हुक्म दिया अब के लिए भी और आइंदा के लिए भी उसके ऊपर अपने आप को कायम रखो और अगर हम इसको ओपन खुले आम खिताब के तौर पर लें तो हम सारे जो उस वक्त के हैं जो उसके बाद आने वाले हैं जो आज हमारे लिए जो आज आइंदा आने वाली ये सब के लिए हैं तुम तो अल्लाह और उसके रसूल की इताद करो और उसके हुक्मों से मुंह मत फेड़ो अब उसके हुक्मों में हर चीज़ शामिल आ जाती है तो और रसालत की गुवाही आ जाती है उसके ऊपर ईमान लाना आ जाता है उसके सारे लवाजमात जो हैं ईमान के नमाज रोज़ा है जक़ात जहाज़ और दूसरी नफली इबादात नहीं वान, नहीं अनिल मुनकर जो है अः मतलब नेकी की नेकी की तबलीग करना नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना ये बहुत अहम नुकता है ईमान के मोमन होने के लिए या ईमान के तकाजों को पूरा करने के लिए और फिर जहाद जो है वो एक अहम नुकता है या अहम मौजू है तो ये सारी चीजों को सामने रखते हुए तुम किसी हुक्म से मुंह मत मोड़ो और रसूल और अल्लाह और उसके रसूल सल वसम की इतबा करते जाओ इस हाल में कि तुम सब सुन रहे हो तुम्हारे सब तुम्हारे ऊपर सब सब कुछ वाजे हो चुका है, अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत हिम्मत फहम दी और सुनने की, ए, सुनने की की इस्तात भी दी तुमने ये सब सुनकर समझ भी लिया अब इसके बावजूद तुम्हें इन पर अमल करना है वाला क्नू वाला और ना तुम हो जाओ कल्ला जीना उन लोगों की तरह कॉलू जिन सब ने कहा जिन्होंने कहा समय ना हमने सुन लिया वो और हालांकि वो ला यस्माउन नहीं सुनते थे उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुन लिया हालांकि वो नहीं सुनते थे अब ये कौन से लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम हमने सुन लिया लेकिन हमने नहीं सुन हम नहीं सुनते थे वो थे ये मुनाफिकीन मुनाफिकीन लोग और काफर लोग ये सारे अब हमने ये भी जिक्र किया कि मक्का के दौर में मुनाफिकत जो है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी या उसका कोई जहूर नहीं था उसका कोई नामो निशान नहीं था मक्का के लोग जो है वो अगर तो कबूल किया तो खुलकर कबूल कर लिया अगर इनकार किया तो खुलकर इनकार कर दिया लेकिन मदीना में आए जैसे ही मदीना में एक बुनियाद पड़ी एक इस्लामी रियासत की तो उसके साथ ही मुनाफत की एक जो जड़ें हैं वो भी पंपना शुरू हो गई वो भी फैलना शुरू हो गई और अब्दुल्ला अबई जो है अब्दुल्ला इबन अबई जो मुनाफिकीन का सरदार था वो उस उसके उसके कुछ हरकत सकनात से ये मामला जो है वो शुरू भी हो चुका है बहरहाल हमने पिछले पहले जो सूरतें पढ़ी है उनमें बहुत जगहों पर पड़ा है बल्कि समय ना वाताना की बजाय ना जो है वो पढ़ते थे तो अल्लाह ताला ने उससे मना कर दिया था तो उनसे कहा था कि समय ना वना की बजाय ना कह दीजिए मैं लफ्ज़ जो है वो भूल रहा हूँ जिसमें मतलब सही ट्रांसलेशन थी उसके बहरहाल नबी की ने उनको मना कर दिया अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कुराना मजदीद ने भी आ गया कि तुम उम ना कह दिया करो बजाय इसके तुम करो कि तुम दूसरे अल्फाज अदा करो ताकि वाज रहे तो यहाँ पर ये है कि जो सुनते हैं हम जो कहते हैं जिन जो लोग कहते हैं कि हमने सुन लिया लेकिन वो सुनते नहीं यानी सुनते तो हैं उन्होंने सुन तो लिया लेकिन उस पर समझते बूझते हुए भी उस पर अमल नहीं करते वो हम उर्दू में कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं कन्ना मार देना कानों में ही बस गुम कर दिया या एक कान से गुजारा और दूसरे कान से निकाल दिया बस तो इस तरह के लोगों में से मत हो जाओ जो तुम सुनो उसको फिल्टर करो अपने दिमाग में उसको कुछ एनालाइज करो उसको समझो परखो और उसके मुताबिक अपनी असलाह करो उसके मुताबिक अपने अमाल की दुरुस्तगी करो इन इन भी बेशक जानवरों में से बदतरीन जानवरों में से बदतरीन इन लाही अल्लाह के नजदीक असुम्मो वो हैं जो सुमन बहरे हैं सुम्म जो बहरे हैं जो गे हैं जो बहरे हैं और जो गुंगे हैं जीना वो लोग जो ला या याकल नहीं रखते बेशक जानवरों के करीब जा, सॉरी बेशक अल्लाह के नजदीक जानवरों में से बदतरीन जानवर वो है जो बहरे हैं और गूंगे हैं और जो अकल नहीं रखते अब ये हमने बकरा में भी पढ़ा और आराफ में भी हमने पढ़ा सूर्य बकरा में उम्युन, तो यानी बहरे अंधे ये सारे आगे इस तरह के लोग के वो कुछ अकल नहीं रखते कुछ इसी तरह से जानवरों का जो जिक्र हुआ यहाँ पर शरत दवा दवाब जो है दबाव वो जानवरों को ऐसे जानवर जो चलते फिरते हैं जमीन पर जो चलते फिरते हैं चार पाँव वाले या दो पाँव के साथ और दो, के सा, दो हाथ होते हैं यानी चलने फिरने वाले जितने जानवर या जा जितनी मखलूक है वो सारी इसमें आ जाती है तो इन सारी खलायक में मखलूकों में या इन चलते फिरने जानवर जानवरों में नजदीक वो वो बहरे और गंगे हैं जो अकल नहीं रखते जो समझते नहीं जैसे सूर्य आराफ का नाम बताने लगा था कि उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ लोग कुछ लोगों के बारे में जिक्र हुआ कि वो वो तो उनके कान उनके दिल तो हैं लेकिन उससे वो समझते नहीं उनके कान तो हैं लेकिन उनसे वो सुनते नहीं उनकी आंखें तो हैं लेकिन उनसे वो देखते नहीं वो तो जानवरों से भी बदतर हैं तो ये सुरह आराफ में इस तरह की आयात आई थी तो ये भी उसी तरह की है कि जो जो समझते भी हुए भी जो जानते बूझते हक को मानने से इनक कर दे या उसके ऊपर अमल करने से इनकार कर दे तो अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी मिसाल ऐसी है उस वो तो ऐसे जानवरों से भी बदतर है जिनको तो कोई अकल और फहम नहीं जानवर जो है वो तो फिर भी अल्लाह ताला ने उनको इंसान की तरह से शौर तो नहीं बख्शा लेकिन वो जबिलत जो है या फितरत जो है उसके कानून के ऊपर तो कम से कम कायम रहते हैं जिस तरह से वो भी जिंदगी गुजारते हैं खाना पीना उठना बैठना सोना अपनी नस्ल को बढ़ाना और फिर पैदा होने के बाद फिर वो जिंदगी गुजार कर आ, मौत से हम किरान हो लेना ये सारी चीजें तो जानवरों के साथ भी लगी हुई है लेकिन जानवरों में एक शोर नहीं जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया हुआ है तो अब जानवर जो है अपनी फितरत पर तो अमल करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं लेकिन इंसान जो है वो अपनी फितरत ही भूल चुके हैं अपनी उसको भूल वो शर की तरफ जो है वो चला जाता है तो इंसान जो है वो फितरत को बिगाड़ता है कि इंसान की अपनी फितरत में क्या है कि उसको जब चीज़ें समझ आ जा जाए तो उसके मुताबिक वो अपनी असलाह करे ये एक फितरी तकाजा है इंसान के लिए लेकिन अगर वो इसको इसके ऊपर अमल नहीं करता अपनी फितरत के तकाजे पर अमल नहीं करता तो यकीन वो उन जानवरों से भी बदतर है जो बहरे गुंगे हैं जो जाहरी तौर तो पर तो कुछ सुन नहीं समझ सकते और ना ही कोई अकल रखते हैं वाला आलिम अल्लाह और अगर जानता अल्लाह उनमें कोई भलाई लास लाश माहूम तो जरूर सुनवा देता उन्हें अब ये ऐसे जानवर हैं जिनको जिनके सामने जितने मर्जी हक पेश कर दें यानी ये इंसानों के बारे में जो पिछला जो जिक्र हुआ था जो वो वो इंसान वो लोग जो कुछ सुनते नहीं और आ, आ, कुछ बोलते नहीं यानी सुनी अनसुनी कर देते हैं सुन समझ कर भी उसके ऊपर अमल नहीं करते या उसको कबूल नहीं करते तो उन्हीं के लिए आगे फर्दर आ रहा है कि अगर उनके दिल में या उनके उनके, उनके अंदर कोई भलाई होती तो अल्लाह उन्हें जरूर हदायत दे देता अल्लाह उन्हें जरूर सुनवा देता अगर वो तलब रखते अगर वो तड़प रखते कुछ समझने की तो अल्लाह तला उन्हें जरूर समझा देता या सुनवा देता वला असम आहूम और अगर वो सुनवाता उन्हें तो जरूर फिर मुंह फेर जाते वह और वो एराज करने वाले होते और अगर इसी हालत में जबकि वो कुछ सारा कुछ सुनते समझते हुए भी कुछ भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं अगर इसी हालत में अगर अल्लाह उन्हें सुनवा भी दे अगर उन्हें अल्लाह मतलब फहम दे भी दे तो फिर भी वो उससे मुँह ही फेड़ेंगे फिर भी वो इससे एराज ही करने वाले होंगे ये इसका भी बहुत दफा हमने तकरा किया है पहले तो खासकर अल्लाह ताला ने जो कहा गुमराह लोगों के बारे में तो गुमराही का गुमराही की वजह यही है जो कि एक इंसान जब इनकार करने पर लग जाता है उसको दोबारा जब थोड़ी तंबी की जाती है या दोबारा कोशिश की जाती है तो वो पिछले इनकार में और ज्यादा पुख्ता हो जाता है पिछले इनकार पहले तो उसने एक दफा ना की हल्के से मुंह से दोबारा जब उसको कोशिश करेंगे तो बार दफा ऐसा होता है तो वो अपने इनकार में और पक्का हो जाता है और सख्ती से इनकार करता है जितना ज्यादा उसको कोशिश करते जाए उतना ही ज्यादा सख्ती उसके उसके इनकार में आती जाती है तो ये उसी तरह से है कि वो उनको जितना मर्जी सुनाए अल्लाह ताला वो वो मतलब या नबी किम या आ, मतलब हालात तो वाकयात से देख कर सुने समझे इस्लाम की जो तबलीग हो रही है उसको सुने समझें तो कुछ अमल करने की या इस्लाह करने की कोशिश तो करें लेकिन वो वो तो ऐसा कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है और ऐसी सूरत में अगर उनको अल्लाह ताला बता भी दे उनको सा, उनके सामने मजीद वादे कर भी दे लेकिन वो उसको कबूल नहीं करेंगे उसको वो मुंह फेर देंगे उससे और उससे एराज करने वाले ही होंगे तजीब ए लोगो जो ईमान लाए हो अजीब तुम सब बात मानो लाही अल्लाह की वलिर रसूल और उसके रसूल की ए मोमनो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो एजाद जब वो दावत दें तुम्हें लिमा कुम उसकी जो जिंदगी बख्शती है तुम्हें जब अल्लाह और उसके रसूल उस बात की या उस चीज की या उस आ, उस उस, आ, उस अमल की तरफ दावत दें जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है तो तुम सब अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो ये बा, ये आयत जो है ये बहुत ही वसी मानी रखती है बहुत ही ज्यादा वसी मानी रखती है जिसको हम कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें हमारे दिल में डाले कि इसकी सही फाहम जो है ना वो हमें अता फरमाए कि वो कौन सी चीज है वो कौन सी दावत है जो जिंदगी बख्शती है अल्लाह ताला ने कहा कि यहाँ पर कि वो दावत जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है जब अल्लाह और उसके रसूल वो तुम सबको पेश करें तो तुम सब उनकी बात को मानो अब जिंदगी की जिंदगी बख्शने वाली दावत क्या है इसको दो में देखा जा सकता है या दो आ, दो नुक्ता नजर से एक नुकता नजर है शॉर्ट रन यानी कि कलील मुद्दती जिसे कह सकते हैं थोड़ी सी मुद्दत के लिए या इस दुनिया की जिंदगी के लिए और एक एक है नुकता नजर या एक है वो ए, आ, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बाद या कह लें कि एक लंबे अरसे के लिए उसमें क्यामत भी शामिल आ जाती है क्यामत के बाद के हालात तो वाक़ भी कह लें अब इस दुनिया में या इस जिंदगी में हमारे लिए कौन सी चीजें हैं या कौन सी वो दावत है जो हमें जिंदगी बख्शती है तो अल्लाह ताला के जितने अहकाम हैं वो दर हकीकत हमें जिंदगी बख्शने के लिए होता है अगर यहाँ पर हम पिछली आयात या इसी सूरह में जब से सूरज शुरू हुई है उसके कंटेक्ट में देखें तो यहाँ पर जिहाद का जिक्र है अल्लाह के अल्लाह के लिए जिहाद करना अब जिहाद जो है उसमें भी जिंदगी है जिहाद में जिंदगी क्यों है कि जिहाद जो है वो अल्लाह के रास्ते में बातल के साथ लड़ाई है बातल को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह के दीन को सर सरबुलंद करने के लिए और उसके दीन की पासदारी के लिए उसके दीन की तर, तबलीग और तरबीज के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो इसमें दर हकीकत ज़िंदगी है अब अल्लाह के दीन को इम्प्लीमेंट करने में क्या ज़िंदगी है अगर हम अपनी जिंदगी में या इसको ओपन आयात की तरफ देखें तो अः तोहिद रसालत ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें अपनी असलाह करने के लिए और उसके अलावा बाकी जो अहकाम हैं अल्लाह ताला के उनको मानना और उनके ऊपर अमल करना दर हकीकत हमें जिंदगी बख्शता है आ, नहीं आ, नहीं अः नहीं क्या नाम है उसका आ, अमर बिलमूफ और नहीं अलमुनकर जो है नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना यह दर हकीकत एक माशरती जिंदगी की, की जमानत देता है ये अमल के जहां पर तुम देखो कि कोई बुराई हो रही है उसको उसको रोको अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक और नेकी का हुक्म देते रहो ये असलाह करना जो है ये एक माशर्ती जिंदगी का की बुनियाद है ये एक उसके लिए बहुत अहम है ये चाहे इनफरादी तौर पर आप काउंट कर लें या चाहे आप तौर पर करें इसी तरह से ज़क़ात को अदा करना और ज़क़त के हकूक जो है वो वो मतलब देना वो ना सिर्फ आपके अपनी जिंदगी में एक बढ़ोते की बढ़ोतरी की आपके अपना जो माल है उसको पाक करने की जमानत है बल्कि माशरे में भी एक मुआशी जो सरगर्मियां हैं उसमें बेहतरी लाने की एक गारंटी है उसके अलावा नमाज को कायम रखना इंफरादी तौर पर भी एक इंसान के अपने ऊपर बहुत ही गहरा असर डालती है और इज्त तौर पर भी इस तरह की इबादत जो है वो बहुत ही बड़ी तब्दीली का बायस होती हैं और ये सारी जो है वो एक पॉजिटिव जिंदगी की रुख रुख की तरफ मोड़ती हैं इंसान को ठीक है अब अगर हम लंबे पीरियड के लिए देखें या तो उसमें यह है कि यह सारी चीजें जो है दर हकीकत हमें आखरत की जिंदगी जो है उसको संवारने में मदद देंगी आखरत में अब हमें यह तो पता है कि क्यामत के दिन या क्यामत जब बपाह होगी तो वहां पर सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे सबको दोबारा जिंदा किया जा जाएगा और वहां पर मौत को मार दिया जाएगा मौत को मार दिया जाएगा मतलब कि उसके बाद कोई मौत नहीं उसके बाद सब जिंदा है जिंदगी जिंदगी है मौत नहीं आएगी किसी को भी अब उसमें जो जिन्होंने अपनी इसलाह की इस दुनिया में और जो जन्नत के वारिस ठहरे वहां पर उनके लिए भी एक जिंदगी है और बहुत ही अच्छी जिंदगी है और जो उसके बरक्स दूसरी तरह के अमल करते रहे उनके लिए भी जहन्नम की आग और जहन्नम के जो अजाब हैं सजाएं हैं वो भी एक जिंदगी है जो मुसलसल उनके लिए चलती रहेगी तो अः यहाँ पर जो हम आज इस दुनिया में जो बो रहे हैं वो दर हकीकत इस जिंदगी के लिए बोल रहे हैं जो हमें आखिरत में काटनी है आखिरत में गुजारनी है हमें हम यहाँ पर भी कहते हैं ना अक्सर कहते हैं कोई कोई सख्ती में है या तंगी में है या मुश्किल हालात में गुजर रहा है तो वो क्या कहते हैं कि ये भी क्या जिंदगी है ये भी कोई जिंदगी है ठीक है अब हालात वाक़ात जो है उनकी अपने परेशानियां मुसीबतें या उनके पास जो भी उनके मसाइल हैं वो उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं तो वो उनके मुंह से निकलता है या वो गिला करते हैं कि ये भी कोई जिंदगी है ऐसी भी कोई जिंदगी होती है और जो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं वो भी इसको अपने हालात वाक़ात को जिंदगी से तबीर कर देते हैं कि हाँ क्या है? ये अच्छी जिंदगी गुजर रही है ठीक है तो ये भी एक हालात वाक़ात या जिस तरह की कंडीशन में आप गुजर रहे हैं वो भी एक जिंदगी का हिस्सा है या वो भी वही जिंदगी है दरक़ीकत ठीक है तो आखिरत में जब जिंदगी ही जिंदगी है जब मौत है ही नहीं तो उस जिंदगी को हासिल करने के लिए जो अल्लाह के अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमें यहाँ पर हुक्म दिया यहाँ पर जो दावत दी उसको कबूल करने का यहाँ पर हमें कहा गया ठीक है तो ये मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा मैं एक तब तकबली ज्यादा लूँ बाकी इसमें बहुत ज्यादा तफसील से जाया जा सकता है सिर्फ इसी आयत के इस हिस्से में बहरहाल अल्लाह तला से दुआ है कि इसकी हमें सही समझ अता फरमाए और हमें इस पर अमल करने की भी अल्लाह ताला तोफी अता फरमाए कमाये हा मिनजा रबीन तो यहाँ पर आया लोग तुम तुम सब बात मानो अल्लाह और उसके रसूल की उस उस चीज़ की जो दावत देते हैं जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है वो सारी चीजें वो आलम और जान रखो और तुम सब जान लो अन्ला के बेशकल्लाहूलू हायल होता है बेन बनने के दरमियान बैन अलमर कल भी और उसके दरमिया उसके दिल के दरमियान और तुम सब जान रखो जान लो कि बेशक अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल होता है वह अन्ना हो और ये यकीनी बात है इले ही तो शारो इसी की तरफ इकट्ठे किया जाओगे तुम सब इसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे अब पिछली आय जो है उसी के साथ इसको मिलाएं अगर तो एक तो जिंदगी बख्शने वाली अः मतलब दावत जो है उसको कबूल करो और उसकी बात मानो उसके अहकाम की पासदारी करो और ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे और बंदे और उसके दिल के दरम्यान हायल होता है यानी यानी उसके दिल में जो भी जो भी बंदा जो है बंदा बंदा यानी कि नफ्स कह लें इंसान का अपना नफ्स जो है या बंदा खुद जो है उसकी अपनी सोच जो है वो ताबे होती है वो उसकी उसी के मुताबिक दिल जो है वो उसको कबूल करता है या उसके ऊपर अमल करता है अगर वो बंदा जो है या नफ्स जो है वो अच्छी ख्वाहिशात नहीं रखता अगर वो हक की तलब और तड़प नहीं रखता तो अल्लाह ताला उससे हक को दूर कर देता है जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि गुमराहि की तरफ जब बढ़ता है तो और शिद्दत में इनकार करता जाता है और फिर उसका वापस पलटने का अः मतलब पलटना नामुमकिन हो जाता है या मुश्किल हो जाता है इसी तरह से अगर इंसान जो है अपने अपनी अः असलाह करने की कोशिश नहीं ना करे तो उसका दिल जो है वो उसकी तरफ मायल ही नहीं होता और अगर इंसान जो कोशिश करे तो उसका दिल उसको कबूल करता है तो ये भी अल्लाह ताला की एक एक रहमत है या एक हमत है या अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि जो शख्स चाहता है कि उसको इस, उसकी असलाह हो जाए तो उसका दिल भी उसकी तरफ फिर जाता है तो अल्लाह उसके अल्लाह उस बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल होता है और यकीनी बात है कि उसी तरफ करे की तरफ इकट्ठे जाओगे इकट्ठे किए जाओगे और हमेशा यह याद रखो कि तुम एक वक्त आएगा कि तुम उसकी तरफ इकट्ठे किए जाओगे और जब इंसान जो है हमेशा अपने जहन में यह रखे कि अभी जिंदगी फना हुई कि फना हुई अभी मौत आई कि मौत आई और अगर खुदा ना खासा हमें ऐसी हालत में मौत आ जाए कि अंजाम बुरा हो तो उससे डर लगना चाहिए तो ऐसी, या ऐसी बातों को जब वो हमेशा रखेगा तो यकीन वो अपनी असलाह की तरफ तो अहम नुकता है अक्सर जो है आयात के आखिर में इस तरह से आता है कि अपने अपने अंजाम जो है उसको हमेशा सामने रखोगे तो तुम्हारे लिए अपनी इसलाह करना आसान हो जाएगा और यकीनी बात है कि तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे वक्त तक और तुम सब डरो उस फितने से लातुस लातसी बनना जो नहीं पहुंचेगा सिर्फ अल्लाह जीना उन लोगों को जिन्होंने किया मिनकुम तुम में से खास तौर पर और तुम सब उस फितने से डरो जो तुम में से सिर्फ उन लोगों को ही नहीं पहुंचेगा जिन्होंने जुल्म किया उन लोगों उन, उन उस फितने से उस फितने से डरो जिसका अजाब या जिसकी सजा या जिसका आउटकम सिर्फ उन लोगों को नहीं पहुंचेगा जिन्होंने जुल्म किया यानी ये सब को पहुंचेगा। ये एक इजतमाही तौर पर एक आयत है एक आयत है जो इजतमाही हैसियत रखती है जिसको समझना हमारे लिए अहम भी है यहाँ पर कि एक माशरे में बहुत सारे फितने होते हैं ठीक है अगर इंसान जो है अपनी कोशिश जारी रखे और नेकी का हुक्म करता रहे और बुराई से मना करता रहे तो उसको उसका कुछ ना असर जो कुछ ना कुछ असर जो है वो माशरे में जरूर रहता है लेकिन अगर वहां पर नेकी का हुक्म देने वाले कम पड़ जाए या नेकी का हुक्म पर असर ना हो और वहां पर अगर बुराई जो है वो पनपती रहे और फैलती रहे कुछ लोग जो है वो मतलब नेकी का हुक्म दें कुछ लोग बस अपनी आप की असलाह करते जाए मुआरे का मुआरे के साथ उनको कोई लेना देना नहीं ऐसी सूरत में जब अगर मुआरे में एक ओवरऑल एवरेज से ज्यादा बिगाड़ पैदा हो जाए तो खुदा ना खासा उस माशरे पर अगर कोई सख्ती आएगी तो वो सख्ती सारे सारे लोगों के होगी इज्तमी तौर पर उसमें वो लोग भी होंगे जो जो उस सख्ती के हकदार हैं और उसमें वो लोग भी शामिल हो जाएंगे उस सख्ती को झेलने में जिन्होंने उस कोई ऐसी बुराई का काम नहीं किया लेकिन वो सख्ती के अजाब को जरूर झेलेंगे आज हम अपने मुआरे को देखें तो हमारी यही सिचुएशन हो चुकी है रोजमरह के मामला रोजमर्रा की हमारी जो न्यूज़ है उसमें हम देखें कैसे कत्लो गत है और किस तरह से अमनो अमान का मसला फैला पड़ा है और खासकर ये फहाशी और मतलब इस तरह के मामला जो है किस तरह से अरूज पर पहुंच चुके हैं कि उनको अब रोकना जो है वो वो मुश्किल नहीं मुश्किल हो गया है और हम अपनी नस्ल को आपने काबू में रखना हमारे लिए मुश्किल हो गया है तो उसकी वजह यही है कि एक दफा बस छूट दे दी उसको और आहस्ता आहस्ता से उसकी तरफ बढ़ते गए कुछ लोग जो है इंफरादी तौर पर अपने आप को असलाह करने के लिए या अपनी 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 बेहतरी के लिए सिर्फ करते ही रहे की बेहतरी के लिए आ, अ, मतलब ओवरऑल जो है उस तरह से इकदाम नहीं किए गए गालिबन या शायद जिसका यह नतीजा हुआ कि माशरे में बढ़ाई जो है वो अब और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है अब उसका नतीजा क्या है अब उस बुराई के नतीजे में जो असरात हैं वो असरात जो हैं वो हर हाथों आम पर हो रहे हैं उन लोगों पर भी हो रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और बिला वास्ता या बरह रास्त उन लोगों पर भी अंदाज़ हो रहे हैं जो उसके खिलाफ हैं जो उसको जो इस ऐसी इस तरह की बुराइयों में इन्वॉल्व नहीं हैं बहरहाल ये एक इज्तमाही नोयत की एक मसला है जिसके उपतर, जिसके तरफ अल्लाह तला ने इशारा कर दिया ये तो मैंने एक मिसालें दी तकरीबन हर तरह की मिसालें इसमें आ जाती हैं और बल्कि मतलब हमने शरा आराफ में ही पढ़ा था जो ये छह रसूलों का जो तस्करा हुआ था उनमें से एक का कि बुराई जो है आ, बुराई उस वक़्त बुराई होती है बुराई उस वकत सही मानो में फैलना शुरू हो जाती है या बुराई होना शुरू हो जाती है जब इंसान जो है उसको रोकना जब उसको रोकने वाले जो है उसको रोकना बंद कर दें और और उसको कबूल करते चले जाएं ठीक है एक दिन आएगा यानी एक दिन बुराई देखी एक दिन रोका जब किसी ने बुराई देखी इस्लाह करने ने एक दफा रोका दो दफा रोका तीन दफा रोका उसके बाद रोकना छोड़ दिया ठीक है और उसके साथ फिर मेल जोल भी रखा उसके साथ वो आ, मतलब अपने मामला जो है वो भी रखे अपनी तो वो इसलाह करता रहा लेकिन वो जो दूसरा इंसान या दूसरा ग्रोह जो है वो इस तरफ को रागब है बुराई की तरफ रागब है तो उसको उसकी इसलाह करनी उसने छोड़ दी उसको रोकना उसने छोड़ दिया इस, ऐसी सूरत में Uh, क्योंकि गुनाह के काम जो है उसमें तो अट्रैक्शन वैसे ही ज्यादा होती है तो वो और ज्यादा आगे बढ़ते जाते हैं और ऐसी सूरत में उनका फैलाव और ज्यादा तेजी से बढ़ता है बनस्बत के अः असलाह करने वालों की या बनस्बत के अपने आप को दुरुस्त करने वालों की तो ये इजमाही तौर पर यह बहुत अहम आयत है कि उस फितने से डरो ऐसी बुराइयों से या ऐसी ऐसे कामों से डरो या ऐसे फितने से डरो ऐसी आजमाइश से डरो जिसका नतीजा जो है जुलम की जिसका नतीजा जो है वो सिर्फ उसको ही नहीं पहुंचेगा जिसके ऊपर जिसने जिसने, जिसने किया बल्कि हर खासो आम जो है वो उस, उसके नतीजे में शामिल हो जाएंगे उसका उसका अजब या उसका सजा या उसके आउटकम सहने के लिए वह आलम हो और तुम सब जान रखो अल्लाह शदीदल के अल्लाह तला सख्त सजा देने वाला भी है अब इसके बाद दोबारा से अपने जहन में रखो कि एक वक्त आएगा इस दुनिया में तुम्हें सजा मिले या ना मिले बज दफ़ा ऐसा होता है कि सजा मिलती है लेकिन इंसान उसको परखता नहीं या समझने की कोशिश नहीं करता लेकिन एक वक्त जरूर आएगा कि जब तुम्हारा जो जो अकाउंट है उसको खोल कर तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा और उसके मुताबिक जो भी मामला होगा वो होगा और अगर कि कोई सजा का मुस्तक का खुदा न खास्ता तो उसको सजा भी उसकी मिलेगी और अल्लाह तला सख्त सजा देने वाला भी है ज करो और तुम सब याद करो इस तुम जब तुम थे कलील तो बहुत थोड़े से उस वक्त को याद करो जब तुम बहुत थोड़े से थे मुस्तफू ना कमजोर समझे जाते थे फिल जमीन में उस वक्त को याद करो जब तुम बहुत थोड़े से थे और कमजोर समझे जाते थे जमीन में तखाफून तुम सब डरते थे अन युम के उचक न ले जाए तुम्हें अन्नासु लोग फा तो तो उसने जगह दी तुम्हें और कुवत दी तुम्हें ही अपनी मदद से वह रजा का कुम और उसने रिज्क दिया तुम्हें मिनत तय बात ही पाकिजा चीजों से अल्लाह कुम अल्लास्कर ताकि तुम सब शुक्र अदा करो अब ये अशारा है अब मोमू के लिए उससे पहले जो हालात वाक़ात हुए उसकी तरफ एक तो अगर गजबा बदर की तरफ भी इसको मंसूब करें तो वो भी पॉसिबल है और एक ओवरऑल जब से इस्लाम की तरवीज शुरू हुई नबी की अः नबूत के ज़हूर के बाद से लेकर अब तक के हालात जो हैं उनको उनके ऊपर नजरसानी की जाए तो वो भी उसमें कवर हो जाते हैं कि उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े से तादाद में जब मदीना से निकले थे तो तीन सौ तीन सौ तेरह लोग थे जो दुश्मनों के मुकाबले में बहुत ही कलील थे या इस्लाम के शुरू में अगर देखें तो चंद ही लोग थे जिन्होंने आप जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और शुरू में किस तरह से मुसीबतें और तकलीफें उन्होंने सही कमजोर समझे समझते समझे जाते थे यानी 313 लोग या शुरू के लोग जो हैं एक वक्त था था कि तुम बहुत थोड़े से तादाद में और कमजोर समझे जाते थे जमीन में जमीन में तो यानी जहां पर भी तुम हो वहां पर तुम कमजोर समझे जाते थे और इस बात से डरते थे कि कहीं उचक ना लिए जाए तुम्हें लोग कहीं तुम तुम्हें मिसल मसल ना दें कहीं तुम्हें मार ही ना दें या कहीं तुम्हें मतलब नुकसान ना पहुंचाएं तुम इस बात से भी डरते थे तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रहमत की तुम्हारे तुम्हारी मदद की और उसने तुम्हें कुवत अता की मदद अता की अपनी मदद अता की और तुम्हें उसने रिस्क दिया पाकिजा चीज़ों का ताकि तुम शुक्र अदा करो तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो अब ये शुक्र अदा करना जो है ये भी एक एक वसी टॉपिक है जिसका हमने तस्करा एक दफा पहले किया था अभी तो वक्त की कमी वजह से अभी इसको नहीं ठेरते लेकिन बहरहाल कभी मौका मिलेगा तो हम देखेंगे कि, कि शुक्र अदा करना जो है वो कौन शुक्र अदा करता है या कौन हकदार है कि उसका शुक्र अदा किया जाए मुख्तसर अल्फाज में जो मेहनत करेगा जो कोशिश करेगा जो अपने अपने तीन जितनी, जितनी उससे बन पड़ा वो सारा कुछ किया उसके बाद जो उसको जो हासिल हुआ उसके ऊपर वो शुक्र बजा लाएगा तो ये सही मानों में शुक्र होगा ठीक है सिर्फ अल्फाज नहीं है शुक्र जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ है एक तो अल्लाह ताला ने वो मतलब उनके ऊपर बहुत सारी नेमतें की नाम की मदद की उनकी उनको ताकत दी उनको रिस्क दिया चीजों का ताकि तुम शुक्र अदा करो अल्लाह तला का या यो अल्लाजीना आमन ए लोगो जो ईमान लाए ऐमान वालो ला तखून ला तखून अल्लाह ला मत तुम खयानत करो अल्लाह की वर रसूल और उसके रसूल की व तखून और ना तुम खयानत करो अमानातुम अपनी अमानतों में वन तुम ता इस हाल में कि तुम सब जानते हो ये भी आज जो है वो ये बहुत बड़ी हमत बरी है खयानत करना खयानत क्या होता है डंडी मारना या नाइंसाफ़ी करना और ये खयानत जो है आमतौर तो पर ऐसी नाइंसाफ़ी या इस तरह से डंडी मारी जाती है कि वो कोशिश यही होती है कि जिस जिसके साथ खयानत की जाती है उसको उसका पता ना चले उसको उसका अंदाजा ना हो ठीक है जैसे किसी ने अगर नाप तोल में कमी बेशी कर दी है नापने में या तोलने में अगर कुछ कम तोल दिया या कम नाप दिया तो वो फिर वो जो कस्टमर है उससे छुपा कर वो ऐसा करेगा ठीक है वो छुपे छुपे हुए कुछ हथियार ऐसे यूज करेगा जिससे नाप में और तोल में कमी आ जाएगी ठीक है इसी तरह से अगर कोई अमानत रखी है तो अमानत में से थोड़ी सी डंडी मारकर थोड़ी सी चीज उचक लेना उसमें से या इस तरह के मामला के जो जो जिसकी वो चीज है उसको पता ना चले तो खयानत करना दर हकीकत खयानत जो है वो छुपा कर या छुपी हुई चीजों की मतलब छुपी हुई गुमराह छुपा चुप, हुआ है बुराई है कह लें छुपी हुई बुराई है ऐसी बुराई जो कर की जाती है या छुपी हुई होती है तो आप अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम ईमान वाले तुम अल्लाह और उसके रसूल की ख्यात मत करो और ना ही अपनी अमानतों की अल्लाह उसके रसूल की खानत यानी अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म दिया है उनमें खयानत मत करो अल्लाह और उसके रसुलों रसूल के हुक्मों में खयानत क्या है कि आपके ऊपर जो फ़्राइज अल्लाह ताला ने आपको दिए जो अहकाम दिए है वो ज़ाहरी तौर तो पर तो उनको अदा करना लेकिन जब आप खलबत में हो जब आप तन्हाई में हो तो फिर उसमें खयानत करना जब वार, मिसाल के तौर तो पर नमाज है नमाज पढ़ना ज़ाहरी तौर तो पर तो आप नमाज में खड़े हो गए लेकिन खयानत उसमें क्या है या तो आपने नमाज को बुरे ध्यान से नहीं पढ़ा आप ध्यान से नहीं पढ़े, वो तो आपके अपनी आप आपकी अपनी हिम्मत और कोशिश है आपकी अपनी नीयत है जो आपके दिल के अंदर है जाहरी तौर पर किसी दूसरे को नजर नहीं आ रही ठीक है या अल्लाह की इबादात जो बाकी हैं जो जाहरी तौर पर जो इबादात आप कर रहे हैं लेकिन जो इनफरादी इबादात हैं या जो आप वो इबादात जिसमें आपको दूसरा नहीं देख रहा उसमें आप आ, मतलब कमी करो या उसको आप अदा ना करो ठीक है तो ये खयानत है अल्लाह तला के अहकाम की यानी आप वो चीज़ें जो जाहरी तौर पर नजर नहीं आती लेकिन आपको पता है कि आप उसमें कि आप उसका हक अदा कर रहे हैं कि नहीं तो वो खानत है वो अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म दिए हैं उसमें खयानत है उसी तरह से तुम खयानत मत करो अपनी अमानतों में यानी अपने दरमियान लोगों के दरमियान एक दूसरे के तलक में एक दूसरे के मामला में एक दूसरे के साथ मेल, मेल जोल में या उनके साथ मदद करने में तरह से बहुत सारे पहलू हैं कि आपने आप आपको अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है अल्लाह ताला ने आपको जो दौलत दी है या हिम्मत दी है या कोई ओहदा दिया है आप उस ओहदे के मुताबिक उस उसता के मुताबिक आप दूसरों की मदद करो जान बूझ कर दूसरों की मदद ना करना ये भी एक खयानत है जो आप अपने तौर पर कर रहे हो जिसको जिसको सिर्फ आपको ही पता है कि आप खयानत कर रहे हैं ठीक है इस तरह से ये एक बहुत टॉपिक है और इज्तमाही तौर पर हमें इनफरादी तौर पर भी और इज्तमी तौर पर भी, भी, हमें अपनी इसलाह करने की तरफ एक तवज्जो तो दिलाती है ये आयत तो तुम ख्यानत मत करो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की और अपने अपनी इमानतों अप, की आपस में भी एक दूसरे के साथ भी तालामुन हालांकि तुम सब जानते हो इस हाल में कि तुम सब इन बातों को जानते हो सुनते समझते हो हर चीज का तुम्हें इल्म है अल्लाह ताला ने खोलकर बयान भी कर दिया तुम्हारे लिए वालमू और तुम सब जान रखो अन्नमा दर हकीकत अम वालकुम तुम्हारे तुम्हारे माल व औलाद कुम और तुम्हारी औलाद जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितरत एक आजमाइश है तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल एक आजमाइश है वह अन और बेशक अल्लाह इन दहु अजर अजीम उसी के पास बहुत अजीम अजर है बड़ा अजर है अब यहाँ पर फितना औलाद और माल को भी फितना कहा गया और भी जगहों पर औलाद और माल को फितना कहा गया फितना है आजमाइश को कहते हैं आजमाइश क्या है कि आपने आ, मतलब एक चीज उसको अनायत कर दी अब उसके ऊपर उसको आजमाना कि ये उसको किस तरह से यूज करता है किस तरह से परखता है बहरहाल इसकी एक लंबी तफसील हो जाएगी आज कोशिश करते हैं कि मुख्तसर रहें कल इनशा इस पर एक दो मिनट मजीद बात कर लेंगे कि माल और औलाद का फितना जो है ये एक बहुत ही बड़ा फितना है और बहुत ही बड़ी आजमाइश है आज के आज के इंसान के लिए माल किस तरह से जमा किया जा रहा है उसके सोर्स क्या हैं क्या वो हलाल और तैयब है क्या उसको उसको हम माल को कमाने के लिए हर तरह से ईमानदारी से काम दिया जा रहा है या अपने माल में इजाफा करने के लिए कुछ बेईमानियाँ भी चल रही हैं उसमें कुछ सूद भी इन्वॉल्व है उसमें कुछ नजायज साल नजायज कारोबार जो है जो हराम कारोबार जो है वो भी किए जा रहे हैं माल को बढ़ाने के लिए इसी तरह ओलाद की तरबियत में औलाद की तरबियत एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि अपने वसायल अपने हलाल वसायल से अगर औलाद की तरबियत की जाए तो औलाद की तरबियत सही हो सकती है अगर हराम की कमाई से औलाद की तरबियत की जाए तो उसका असर यकीन वो उस औलाद की औलाद की जो आइंदा जिंदगी में उसमें जरूर होगा लेकिन आज हमारे माशरे में भी अपने औलाद को सुधारने के लिए अपने औलाद का फ्यूचर या मुस्तबिल बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह से हथकंडे जो है वो अपनाए जाते हैं आ, माल जमा किया जाता है उनकी उनके आइंदा मतलब उनकी आसानी के लिए और वो माल जमा करने में किस तरह से मामला किए जाते हैं ये समझे बगैर के एक वक्त आएगा जब इस दुनिया से हम उठा लिए जाएंगे उसके बाद फिर ये औलाद भी कुछ काम नहीं आएगी और माल भी कुछ काम नहीं आएगा हाँ औलाद की जो नेकी है वो काम आ सकती है लेकिन अगर नेकी की तरफ रागब भी नहीं किया इस दुनिया में उसे और आपके मरने के बाद अगर आपकी औलाद ने नेक काम ही नहीं किए तो वो नेक का, नेक काम उस औलाद के वो आपको मरने के बाद भी वो औलाद आपको किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचा देगी और क्यामत के दिन तो फिर हर हर तरफ नफसा नफसी होगा किसी के लिए कोई कोई रिश्तेदार कोई माल और कोई चीज जो है वो वहां पर कार नहीं होगा वहां पर सोने के सिक्के और आ, माल और रिश्तेदारी के सिक्के नहीं चलेंगे वहां पर तो सिर्फ आपके अपने अमाल जो आपने कमाए इस दुनिया में वो ही सिक्के जो है वो काम आएंगे तो ये दोनों चीजें जो है ये बहुत बड़ी आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से इनको इन इस आजमायश को समझना और उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करना ये एक इंतहाई अहम जुज है हमारी जिंदगी का वो अन्नल्लाह इंदा हुआ नजीम और हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हमारे रब के पास उसके पास यानी रब के पास एक बहुत बड़ा आजर है अगर इन फितरों में और इन आजमाइशों को बहुत एहसन तरीके से हम सह लें और भलाई के साथ इन चीजों के साथ हम गुजरें इस दुनिया में तो यकीन अल्लाह के पास फिर आखिरत में उसका एक बड़ा अजर है और ऐसा अजर है जिसकी मिसाल इस दुनिया में पेश करना नामुमकिन है व मा अलना इबलामुबी आज वक्त थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया बहरल अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही फाम दे और जो हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं अल्लाह तमें सही मानो में उसके उसके उसका जो असर है हमारे दिलों में उतारे और अल्लाह अल्ला हमें हमारी इस

खैर और बरकत से भर दें इन शाला आ, तो आपसे एक गुजारिश थी मैंने टाइम थोड़ा फिक्स करें ठीक है ना तो मैंने के उस वक्त के अंदर अंदर क्लास जो है ना वो खत्म कर दें चाहे पाकिस्तान में लोग किसी ने ड्यूटी जाना होता है या किसी कोई मिलने के बहुत सारे मिलने के होता है ना ये वो एक बंदा पहले से अपना एक प्रोग्राम सेट करके रखे भाई इतने से इतने बजे तक है मैं उसके बाद ये करूँगा ठीक है

फिर जी ठीक है इसी के साथ इजाज़त देते हैं अल्लाह तमारा हम नासर हो और अल्लाह हमारे वालदान के साथ जरूर रहमत और मक़फ़रत वाले मामले अता फरमाए जो इस दुनिया में है अल्लाह तुन सेहत भरी जिंदगी अता फरमाए और जिसने से गुजर चुके अल्लाह तुन जन्नतोस में आला मुकाम अता फरमाए रबार رب رحمهما كما ربا يعني رب ربي, تغيرة. ربّى كما ربا يعني ربنا تقبل منا إنك أنت سميعا لليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته